Lordship, in present case, before starting this case, I want to place that the council which has been appointed by the district legal service authorities has done mistakes. Therefore, litigation, uh, litigator is facing the uh, trouble. Lordship, uh, the I, lawyer I, who was appointed by the district legal service authorities. Uh -huh. Uh -huh. Lordship, I have put a

है, तो वो हमारी सुनते नहीं थे क्या था या उनको कानून नहीं आता था क्या बोलना चाहते बताओ तो पहले उसके बाद हम आगे सुनेंगे ना। ल, आप मेरे ऊपर मत छोड़िए मैं उसको इमेजिन करूँ की आप क्या कहना चाहते हैं बिकॉज लॉ इज नो कैन नो कोर्ट कैन प्रज्यूम दैटर इज इनकॉम्पिटेंट हम किसी के भी बारे में इनकोम्पिटेंट होने का ड्रॉ नहीं कर सकते हैं

कानूनी रूप से अक्षम थे क्या था पहले से सेंटेंस तो बोल दो फिर आगे सुनेंगे सर एक्यूरेट नॉलेज फॉर फॉर द लॉ एक्यूरेट नॉलेज आपके वकील साहब को कानून का नहीं था ये कहना चाहते हैं एस माय क्लाइंट टोल्ड मी दैट ही बिलीव दिस आप जो भी बोलेंगे पक्षकार के बिहार इंस्ट्रक्शन पे बोल रहे तो आप चिंता मत कीजिएगा आपको बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि पक्षकार के कहने पे कह रहा हूँ हम ये मान के चलते हैं कि जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट होता है पक्षकार के कहने पे होता है uh, application... आपका कहना है कि जो लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी ने आपको वकील दिए थे वकील दिया था तो वो कानूनी रूप से ए, उतना ज्ञानवान नहीं थे ये कहना चाहते हैं अच्छी बात है अब आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। uh,

घरेलू संबंध रहे हैं अनावेदक का आना जाना रहा है, दुख सुख में भी साथ रहते थे अनावेदक मीठे स्वभाव का होने के कारण काफी घुल मिल गया था उसके द्वारा कहा जाता है कि उसे परिवार में बहुत घाटा हो गया है वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा है मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि आत्महत्या कर लू और अपनी पारिवारिक असफलता के बारे में आये दिन चर्चा करता रहा सर सर और उसके बाद ये कहते हैं आई रीड फ्रॉम दी फर्स्ट लाइन सेवन के पास पैसे होने के जानकारी होने पर आरोपी व्यापारी घटा आत्महत्या करने जैसी बातें करने लगा और अच्छे संबंध होने के कारण अनावेदक ने पैसे देने को कहा कि मैं शीघ्र ही आपसे प्राप्त पैसे पैसा वापस कर दूंगा मैं आप यह उमरिया में रहता मैं उमरिया में रहता दिया, आप क्या कहना चाहते हैं सर उसकी नेक्स्ट लाइन में तब के द्वारा दिनाक पंद्रह बारह अठारह से लेकर पंद्रह बारह उन्नीस तक सर ये जो डेट है इसमें सर बारह बार ट्रांजेक्शन हुआ है सर इस एप्लीकेशन में नोटिस में कोई भी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति सहायता कर रहा है तो सर क्या पचास हजार इतना ही कर सकता एक की बात कह रहे है एक लाख स्टेज के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिया है आप लोगों ने लॉशप मैं इसको बहुत अच्छी बात है सर कोई इशू नहीं है मैं इसको आगे भी लेके जाऊंगा ले जाओ ना यार आप इस बात पे कहा सर खपा रहे हो कि साहब इतने ट्रांजैक्शंस कैसे हुए आपके पास पैसा आया ना That is all, आगे सर, हमारे बिस्ट... आगे पढ़ेंगे अनऑफिशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन थे पैसा आपके पास आया था आपने पैसा चाहे किसी कारण से भी वापस करने के लिए चेक दिया आप कहें नहीं दिया था वो तो बिजनेस ट्रांजेक्शन सर इसमें हमारे पास बहुत स्पेसिफिक ग्राउंड्स भी हैं जो सर ट्रायल कोर्ट का सब्जेक्ट है Answer, आप आपने मुझे मुझे मैं सीरियसली देख रहा हूं क्योंकि आपने अधिवक्ता के ऊपर आरोप लगाया है सर सुनिए 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 ऐसा है जब हम कहते हैं कि पढ़ के आओ तो आप लोगों को बुरा लगता है जब आप कहते हो कि अधिवक्ता का पढ़ता नहीं है तो हमें बुरा लगता है पूछिए क्यों पूछिए क्यों हम जानते हैं कि अधिवक्ता ने कितनी मेहनत की कितनी मेहनत नहीं की हार जाने पे अगर अधिवक्ताओं के खिलाफ इतना इजीली एलिगेशंस को हम होने देंगे तो साहब आप में से किसी को भी वकालत करने में आसानी नहीं रह जाएगी हारने पे आरोप लगेंगे आप सबके ऊपर सही है है कि नहीं मैं आपको इंडिविजुअल प्रश्न पूछ रहा अच्छा। हूँ मैं इंडिविजुअल प्रश्न पूछ रहा अच्छा। हूँ अच्छा। 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 ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप कंज्यूमर फोरम की कैटेगरी उसमें नहीं जाएंगे राइट क्योंकि जीतना और हारना एक अलग बात है हमें मालूम है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो हम अगर आपसे कहें कि आपने ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है तो हम उसको एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपर्ट होने के नाते देख के बोल रहे हैं राइट एक पक्षकार हार जाने के बाद अगर आरोप लगाता है और कोर्ट उसका आरोपों का संज्ञान इतनी आसानी से लेना शुरू कर दे तो साहब आप लोग बहुत मुश्किल में आएंगे अगर आप लोग चाहते हैं कि इतनी आसानी से संज्ञान लिया जाए अब आप पूछेंगे कि साहब अधिवक्ताओं को ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों अब आपको हम मैथ्यू जैकब का जजमेंट बताते हैं जो बहुत साल पहले डॉक्टर्स के लिए आया अगर कोई चीज फेल हो गई डॉक्टर के हॉस्पिटल में उनके क्रिमिनल केस रजिस्टर होने शुरू हो गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा नहीं सबसे पहले एक एक्सपर्ट एक बॉडी देखेगी राइट right? मैं आपसे यही कहता हूं कि जब हम आपसे कहते हैं कि आपने नहीं पढ़ा है तो एक एक्सपर्ट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपने नहीं पढ़ा क्योंकि उसको मालूम है कि इसमें कितना केस में दम है कितना नहीं है कहाँ कहाँ बहस हो सकती है और कहाँ कहाँ नहीं हो रही है हार और जीत हमारे लिए पैमाना नहीं है आपके पढ़ने और ना पढ़ने का आप लोगों को बहुत ग्रीवेंस है कि हम बोलते हैं कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है है ना और एक एक्सपर्ट के तौर पे हम बोलते हैं कि क्योंकि पक्षकार का नुकसान जब होता दिखता है तो भी बुरा लगता है परंतु अगर हम इस बात को सर्टिफिकेट देना शुरू कर दें कि आप चूंकि हार गए हैं इसलिए आप वकालत के काबिल नहीं हैं तो साहब क्या स्थिति बनेगी आप जानिए आपने चूंकि बहस ही उसी ग्राउंड से स्टार्ट की तभी तो मैं एकदम से चौंक गया कि ये क्या चक्कर चल रहा है अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं ठीक पर्सनल बात कह रहा हूं आपसे और इतनी मेहनत करने के बाद खुदा ना नाखास्ता आदेश आपके खिलाफ चला गया और वही आरोप आप पक्षकार ने आपके खिलाफ लगा दिए जो अभी आपने दूसरे वकील के खिलाफ लगाए हैं आपको कैसा लगेगा ऐसा नहीं कि हम पक्षकारों के हितों की रक्षा करने की बात नहीं करते हैं आप लोगों को तो सबसे बड़ा ग्रीवेंस ही इसी बात का है कि कोर्ट साफ बोल देती है कि आप पढ़ के नहीं आए हैं पर हम जब बोलते हैं वे एक एक्सपर्ट के तौर के ऊपर बोलते हैं हम उस मुकदमे के नतीजे के ऊपर नहीं बोलते हैं कि आप हार गए इसलिए आपने पढ़ा नहीं है हम तो कई बार जिताने के बावजूद भी बोलते हैं कि आपने नहीं पढ़ा ये सारे ग्राउंड्स मैंने अपने मन से निकाल के आपको अलाउ किया है तो अब एक चीज और सुन लीजिए पक्षकार को कितना बुरा लगता है कि जब उसका अधिवक्ता बिना पढ़े जाता है लगता है ना लगता है तो जब हम यही कहते हैं कि पक्षकार के लिए इतनी तो मेहनत करो तो क्यों बुरा लगता है आप लोगों को आप लोगों को सबसे बड़ा ग्रीवेंस से क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं कि साहब आपने नहीं पढ़ा है है कि नहीं सीधी सीधी हाँ या ना में तो जवाब यार सर सर जो भी नहीं, नहीं, मैं, मैं मैं कहूंगा कि नहीं कहूंगा उससे थोड़े हैं सर वी 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 आर 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 मोर वीर मैं पर्सनल बात कर रहा हूं मैं पर्सनल बात कर रहा हूं आप लोगों का ग्रीवेंस यही है कि कोर्ट ब्लंट बोल देती है कि आपने नहीं पढ़ा तब तो आप मत बोलो कि नहीं पढ़ा आपने जैसा पढ़ा वैसे ही पढ़ा ठीक है जो पक्षकार का होता होने तो हमें मत बोलना बिल्कुल सही है हम चुप रह सकते हैं परंतु ये इंस्टीट्यूशन मेरे लिए नहीं है आपके लिए नहीं पक्षकार के लिए जब पक्षकारों के लिए पूरी मेहनत नहीं होती तो बुरा लगता है और ये इसलिए बुरा लगता है क्योंकि जब पक्षकार को लगता है कि उसकी तरफ से पूरी मेहनत नहीं की जा रही है तो जैसा बुरा उसको लगता है वही एहसास हमको भी होता है इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एनी हाउ आप लोगों की मर्जी है शुरुआत आपने उसी से की है कि हमारे वकील साहब को कानून नहीं आता है तो चले आगे चले सर हम्म

तो लीगल एड से आपको क्यों वकील दिया गया सर सर 2019 के पहले हमारे पास वी आर इन अ वेरी गुड स्टेट अरे मुझे आज, sir, आज आपकी परिस्थिति खराब हो चुकी है yes, यस सर हमारी परिस्थिति खराब हो चुकी है इस पे हाँ आप में सर हमने मतलब आप अभी वक्ता भी लगाने की स्थिति में नहीं है आज सर जस्ट फॉर दैट आई एम मेंशन इन माय प्लीडिंग इन माय ग्राउंड्स 5 दैट ड्यू टू द

रुपीस का जो है कर्ज़ सर चेक किस तारीख so so का ही है सर चेक इज ऑफ ट्वेंटी ऑन दैट सर सेवन फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्रांजेक्शन कब के हैं कंप्लेंट के हिसाब से सर so फाइव 15 12 2018 टू 15 10 2019 अच्छा सर इसके बाद के भी दो ट्रांजैक्शंस हैं और 2000 20 तक इन स्प्रेड uh, हो रहे हैं अच्छा आंसर ये ठीक है वो डायरेक्ट अपन ग्राउंड पेपर आ जाए यस yes, सर सर ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हम फेस कर रहे हैं सर हम एनपी हो चुके हैं मैं सर इसके लिए हमने डॉ दैट कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू बाईपास टू इग्नोर द प्रोसीडिंग्स अंडर 138 लॉर्डशिप इन सपोर्ट ऑफ माय इन सपोर्ट ऑफ माय आर्गुमेंट्स आई हैव Place reliance over the judgment, recent judgment of top court, that is Rakesh Ranjan Shivastu versus the state of Jharkhand. Yes, sir. Sir, kindly see page number 17. Okay. 18, 17 of that order. The broad parameters has been decided, uh -huh. Lord Wherein discretion has been given to courts to decide the same. Uh -huh. Lordship in first uh, the point C of okay. that uh, para nineteen the court will have to face or uh, to have to primarily evaluate the merits of the case made out by the complainant and the merits of the defence pleaded by the accused.

आप लोग कहते ही हो ना कि सब निचली कोर्ट ने आदेश ये पारित किया है चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है इस कारण से निचली कोर्ट का आदेश गलत है तो हम लोग क्या आदेश सेटिस्फाइड नहीं करते हैं क्या अब बार बार आप यही कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है कही सर मुझे तो मज़ा आ रहा है आप लोगों का वकालत करना मुश्किल हो जाएगा सर याद रखिएगा अगर हमने होल्ड कर दिया आपकी सारी चीज़ें तो ठीक है ट्रायल कोर्ट ने नहीं देखा

क्षण so yes. तो आ गया सर्टिफिकेट yes. तो तो at... दू आपको uh, अब मैं आपको क्या सर्टिफिकेट दूर आपका पक्षकार ने बोल दिया कि सर न्यायालय का आदेश तक नहीं लगाया इन्होंने

अच्छी बात समझ गए अ डिसीजन कौन सा डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है या नहीं है इट इज माई डिसीजन एंड इफ यू चैलेंज दासड बाय दायल कोर्ट एज वेल एजिजनल कोर्ट एंड इफ यू थिंक दैट द फाइंडिंग ऑफ दर पास बाय ट्रायल कोर्ट इज इेलिवेंट और नॉट नेसेसरी बी रेडी फॉर टेकिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम योर क्लाइंट जी सर

खुद ही देख लेंगे पक्षकार के हित का तो अहित नहीं होने देंगे खुद ही मेहनत करेंगे उसके पक्ष का कुछ दिखेगा तो करेंगे हमने फिर यह डिसाइड कर लिया जी सर आ, किया था किंतु तो बीस के आठ प्रतिशत की राशि दी है जी तो आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को कंसिडर नहीं किया गया है कंसिडर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वहां पे बहस ही नहीं की गई आपके पक्ष का आपके वकील साहब के द्वारा है ना और कुछ सर आपका कहना है कि कोविड के बाद आपकी परिस्थितियां काफी खराब हो गई और आपके परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप दिवालियापन की स्थिति पे आ गए हैं यही है ना यस yes, अच्छी बात है सर अब एक छोटा सा प्रश्न है अपने आप को दिवालिया बोलने से क्या कोर्ट को मान लेना चाहिए या दिवालिया फन डिक्लेयर कराने के लिए कोई प्रोसीडिंग्स होती है, है? भविष्य में आपने करना उसको मैं रिलाई नहीं कर सकता आज अभी आपके पास क्या है कि आप जो हो दिवालिया हो चुके हो ये मुझे डिसाइड करने क्योंकि उसमें है सुप्रीम कोर्ट का है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को हमें कंसिडर करना पड़ेगा है ना उसी के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पास सवाए वर्बल के और क्या चीज है ये बताने के सर, लिए सर, कि आपकी परिस्थितिया बहुत ज्यादा खराब है पेज

सर अगर आप मेरी प्लीडिंग्स देखें सर मैंने एक्सेप्ट किया है कि मेरे को पांच लाख तीस हजार आप मुझे दिवालियापन के कोई भी दस्तावेज दिखा सकते हो तो दिखाइए सर मैं नहीं दे पा रहा हूँ अपनी इसलिए सर ये स्टेज पे आप पहुंच ये डिफॉल्ट इसको डिफॉल्टर कहते हैं सर दिवालियापन नहीं कहते हैं सर बिजनेस बैठ जाने की वजह से हमारा मैं 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 कोई नहीं ड्रॉ कर सकता सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी परिस्थितियों को भी कंसिडर करना चाहिए उस लाइट में मैं कंसिडर कर रहा हूँ आपका कहना है कि मैं दूसरे भी लोन नहीं पटा पा रहा हूँ इसलिए मुझे दिवालिया माना जाए मैं ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा बहुत अच्छी बात है सर मैं अकेला इसके लिए भागीदारी नहीं हूं सर जब ये ट्रांजेक्शन तो देखिये अब अब आप आ जाओ 138 पे आ जाओ ये सिविल सूट है कि? कि साँग,

आपको मालूम है मुझे मालूम है मैं आपको बता सकता मैं बता सकता हूं कि इस वकील ने कितनी मेहनत की जब तो मैं कह रहा हूं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो की की कोर्ट क्वेरीज को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो राइट right? पर अगर खुदा ना खास्ता आदेश आपके खिलाफ चला गया और पक्षकार ने आपसे यही कहा कि सब वकील साहब आप भी कैसा लगेगा मैं अगर कहूं कि सर आपने मेहनत नहीं की है तो देन यस इट इज इट इज एन ऑब्जर्वेशन बाय अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड एंड हु हैज द परफॉर्मेंस रिजल्ट बेस्ड ओपिनियन पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपने यहां जितनी मेहनत की कल रात में घर में कितनी की होगी ड्राफ्ट करने पे कितनी की होगी ये तो अभी बिहाइंड दी कर्टन्स है वो एनी हाउ या आप लोग की मर्जी है लॉन्च में I humbly pray that 8% has been granted but kindly some consideration some mercy has been shown to my client that he will get some relief because he is already